आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज ये लखनऊ के प्रेस क्लब में नवीन समाजवादी दल सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने CAA NRC के समर्थन में समझाओ बुझाओ अभियान की शुरुआत की है। वैसे तो प्रदेश में फरवरी और मार्च ये अभियान राष्ट्रीय नवीन समाजवादी दल की स्नेहलता यादव ने इलाहाबाद के प्रांगण से शुरू किया था। हम आपको बता दें कि CAA ये बहुत पहले से बना हुआ है, कोई ऐसा इसमें ऐसा नहीं किया है, संशोधन में कोई ऐसा नक्शा नहीं किया है कि मुसलमान पे संपत्ति चली जाएगी, मुसलमान का कहीं सम्मान चला जाएगा। ये विरोधी पार्टी जिनका उत्तर प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है, वो कांग्रेस है, वो समाजवादी है और बसपा के लोग हैं। इन लोगों ने देश के मुसलमान को गुमराह किया है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। CAA में ऐसा कुछ नहीं है। CAA में ये है कि विदेश के जो अल्पसंख्यक विदेशों में हैं वो हिंदुस्तान में अगर आए तो उनकी नागरिकता आसानी से बच सके। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने NRC के लिए, आपको बताएं NRC क्यों आई है, NRC क्यों लाना चाहते हैं। NRC से देश में एक भारी मात्रा में जो घुसपैठी घुस आए हैं बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, उनको बाहर करने का काम किया जाएगा, क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में गरीबों के लिए मुहैया कराया गया है, जिस बजट से हम मकान देंगे और लाखों रुपए बैंक से बिना गारंटी के किस गरीब लोगों को देंगे, तो वो उसका हक इन घुसपैठियों को मिलने वाला था। इसलिए ये NRC लागू की गई है कि देश का जो गरीब आदमी है वो पहले फायदा ले। ये कहाँ के होते हैं, तो इनको NRC में हिंदू अपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को घुसपैठियों से अलग करने का एक रजिस्टर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है किसी का सम्मान जा रहा है और किसी मुसलमान की संपत्ति जा रही है। ये विरोधी पार्टी बखला गई है, जिसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस, इन लोगों ने देश के मुसलमान को जो भाईचारा बना करके रहते थे उनमें खलल डालने का काम किया है। इसके समाजवादी नवीन समाजवादी दल और भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। 40 दिन हो गया है घंटा घर में और महिला लोग धरना दे रही हैं, उसके उनको क्या समझाना चाहते हैं आप? शाहीन बाग हो दिल्ली का या मंसूर अली पार्क इलाहाबाद का हो, ये जो महिलाएं हैं ये अपने विवेक से वहाँ धरना नहीं दे रहे हैं। इनके पीछे साजिश है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कई बड़ी नेताएं वहाँ बिरयानी खाने गई हैं, उन्होंने खुद कहा है, ऐसे शाहीन बाग में है, इसमें फंडिंग हो रही है। और ये CAA का प्रोटेस्ट जो महिलाएं बता रही हैं, ये प्रोटेस्ट में विदेशी मुसलमान को देश में आने के लिए प्रोटेस्ट है। ये इनको यही नहीं जानकारी है कि ये प्रोटेस्ट हम अपने लिए कर रहे हैं या विदेशी मुसलमान को लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक साजिश है जो देश के मुसलमान को गुमराह कर रहा है और जो सैकड़ों वर्ष से हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रह रहा है कांग्रेस के लोग और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन के लोगों ने, ये एक भाई पैदा करने का ये दुष्कार किया है, जिसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं। और समझाओ बुझाओ के माध्यम से हम मुसलमानी बस्ती और हिंदू बस्ती दोनों जगह जाकर समझाने का काम कर रहे हैं कि ये गलत फहमी पैदा करने वाले यही दुश्मन है, जिन लोगों की उत्तर प्रदेश में और देश में जनाधार खत्म हो गया, आज वो अपने जनाधार को वापस लाने के लिए गलत हथकंडे फैला रहे हैं। ये हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये मुसलमानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये विदेशी मुसलमान को सह देने के लिए, सम्मान देने के लिए और विदेशी ताकतों को मजबूत करने के लिए है। इसका हम लोग विरोध करेंगे।